टोक्यो ओलंपिक में भारत का झंडा बुलंद कर देने वाले और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने वाले नीरज चोपड़ा इन दिनों छाए हुए हैं। नीरज की चर्चा हर तरफ हो रही है। कहना गलत नहीं होगा कि नीरज इस वक्त लाखों करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल बने हुए हैं। हाल ही में नीरज ने एक ऐसे दिग्गज से मुलाकात की जो कई सालों से देश के युवाओं के लिए मिसाल बने हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिएंडर पेस की। नीरज और लिएंडर पेस की हाल ही में हुई मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इस फोटो को खुद नीरज चोपड़ा ने भी अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया और लिखा, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा लिएंडर सर, और आपके मेडल को छूना जिसने कई युवा एथलीट्स को प्रेरणा दी। आपने अपना मेडल तभी जीत लिया था जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। आपका जोश और खेल के लिए आपका प्यार देखना हमेशा ही अच्छा लगता है। लिएंडर के साथ नीरज की इन तस्वीरों की खूब तारीफ हो रही है। लिएंडर पेस ने भी नीरज के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए गोल्डन बॉय की तारीफ की है। इन फोटोज में लिएंडर पेस ने नीरज का मेडल पकड़ा हुआ है और नीरज ने लिएंडर पेस का मेडल। आपको बताते चले कि साल 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों में लिएंडर पेस ने टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस मेडल के साथ पेस ने पिछले 44 सालों का सूखा खत्म किया। उस वक्त पेस की उम्र महज 23 साल थी। वर्ल्ड में उनकी रैंकिंग 126वें नंबर पर थी। लिएंडर पेस का ये मैच काफी शानदार रहा था जिसकी चर्चा अब तक होती है। अब दो दिग्गजों की मुलाकात हुई तो सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी आनी ही थी। योगिता राज नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ओ टू इंडियन जेम टुगेदर, हैप्पी टू सी यू बोथ, यू लिटरली मेड आवर नेशन सो प्राउड, गॉड ब्लेस यू चैंपियंस, नीरज चोपड़ा जी नाउ टेक आउट सम टाइम फॉर योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विशिंग यू द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एक और यूजर ने लिखा, अटलांटा 1996 मीट टोक्यो 2020 एट इंडिया फ्रॉम इंडिया, ट्रूली अमेजिंग एंड लेजेंडरी। देखा आपने किस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स दोनों दिग्गजों पर प्यार बरसा रही हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।